एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. अब देखते हमारे किसी क्वेश्चन को ताकि हम देख सके. ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा एपी. सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो, फॉर एवरी सीक्वेंस राइट नेक्स्ट थ्री टर्म. ओके, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, मुझे अगली तीन टर्म्स पता करनी है. इट्स 10, 70, 40, 10, 100, 70, 40 and 10 और मुझे अगली तीन टर्म्स बतानी है. अब अगेन T1 की अगर हम बात करें वो कितना हो जाता है, T1 is equal to always a first term which is 100, isn't it? But T2 क्या होता है, this मतलब कि 70 है ना, T3 है मेरे पास 40. तो अब T2 D में कैसे निकालता हूं, T2 minus T1. चेक करते हैं पहले AP में है भी या नहीं, isn't it? इन दोनों का अगर मैं सम निकालो, 70 minus 100 which is equal to minus 30, सही सेम है. 40 minus 70 अगर मैं करूं, T3 minus T2 अगर मैं देखूं, तो 40 minus 70 which is again equal to minus 30, मतलब इनका भी सेम है. और 10 minus 40 अगर मैं करूंगा, T4 minus T3, तो अगेन मेरा आंसर जो होगा वो फिर से आ जाएगा माइनस 30, मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और जो है माइनस 30. अब हमने एक चीज देखी थी कि जो T2 होता है वो क्या होता है, हमेशा T1 प्लस D, यही होता है. T1 कितना है मेरे पास, 100, और D कितना है मेरे पास, माइनस 30. तो इसीलिए मेरे आंसर आया था 70, यही आया है. T3 आएगा मेरे पास T2 प्लस D. T2 कितना है मेरे पास, 70, प्लस D कितना है मेरे पास, माइनस 30. तो 70 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 40. T4 होगा T3 प्लस D. T3 कितना है मेरे पास, 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 10, इजंट इट? अब इसके आगे की टर्म्स जो हमें नहीं पता है, तो T5 हो जाएगा हमारे पास T4 प्लस D विच इज इक्वल टू, T4 कितना था मेरे पास, 10 माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 20. और T6 हो जाएगा मेरे पास T5 प्लस D विच इज इक्वल टू माइनस 20, D कितना है मेरे पास, माइनस 30, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50. और T6 हो जाएगा मेरे पास, T6 विल बी इक्वल टू T5 प्लस D, T5 प्लस D विच इज इक्वल टू, T5 कितना है मेरे पास, माइनस 50, माइनस 50 D है माइनस ऑफ 30 विच इज इक्वल टू माइनस 80. सो T1, T2, T3, तो इस तरीके से मेरी अगली जो टर्म्स हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 20, माइनस 50 एंड माइनस 80. तो मुझे अगर कोई तीन टर्म्स भी पता हो तो मैं आगे की कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकता हूं प्रीसीड, इसी तरीके से प्रीसीड करते हुए. बट अगर बहुत लंबी टर्म बची है तो मैं उसको इस तरीके से करने से अच्छा कुछ और तरीके होते हैं उसको फाइंड आउट करने के, दैट विल सी इन फर्दर चैप्टर. तो अब देखते हैं और एक क्वेश्चन ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपके माइंड में कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इन चीजों को. अब नेक्स्ट इज -7, -4, -1 एंड 2. -7, -4, -1 एंड देन 2 और बाकी दो टर्म्स मुझे और निकालनी है. अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं, -4 माइनस ऑफ ये कितना है, -7, कितना हो जाता है, -4 प्लस 7 विच इज इक्वल टू प्लस 3, इजंट इट? तो इसके अंदर 3 ऐड किया गया है, सो अगर मैं इसके अंदर 3 को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा प्लस 4. अगर मैं -4 में अगेन प्लस 3 करूं तो मुझे मिलेगा -1. इसमें अगेन मैं अगर प्लस 3 करूंगा, -1 प्लस 3 इज प्लस 2, प्लस 2 में अगेन प्लस 3 करेंगे तो वी विल गेट प्लस 5, और प्लस 5 में अगेन हम प्लस 3 करेंगे तो वी विल गेट प्लस 8. तो इस तरीके से मुझे सबसे पहले अगर कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, और एंड आई एम इफ आई एम श्योर कि ये एपी में ही है, तो पहले दो टर्म्स को पहले सब्ट्रैक्ट करके देखो, दो या तीन टर्म्स को, कि इफ वो एपी में ही है या नहीं. और अगर एपी में है, वंस यू आर श्योर, तो फिर आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं. सिर्फ वो जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको हर टर्म के साथ
ऐड करते रहना पड़ता है। देखते हैं और एक क्वेश्चन, इट्स 4.4.4.4 अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग किसको जीरो को ऐड कर रहे हैं, दिस माइनस दिस इज जीरो। अगेन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट हम डी को हमेशा ऐड करते हैं, इजंट इट। सो 4+0 = 4, 4+0 = 4, 4+0 = 4 और आगे की जो टर्म्स होगी वो भी 4 ही होगी, बिकॉज इट्स इन एपी और ये एक सीक्वेंस है। और एपी में क्यों हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज जीरो। नाउ अब एक क्वेश्चन है दैट इज गिवन टू यू, लेट सॉल्व इट। अब ओके, उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि अब किसी भी टर्म को एपी में हम इन जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एनी टर्म टू बी इन एपी उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ए। ए मतलब फर्स्ट टर्म, हमने देखा था टी वन को हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, मतलब कि ए प्लस डी, फिर हम फिर से उसको ऐड करते हैं, मतलब कि आई कैन राइट इट एज ए प्लस टू डी, आई कैन राइट थर्ड टर्म एज ए प्लस थ्री डी, अगली होगी ये है मेरे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा ए प्लस फोर डी, दिस इज माई फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। सो किसी भी एपी को हम जनरली इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर डी जो है वो बार बार एड होता जाता है। इसीलिए दो टर्म्स को, जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, तो हमारा आंसर डी हो जाता है। फिर से इन दोनों को भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वुड बी माइनस डी। सो ये चीज, दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है, प्रणव बोरोड रुपीज 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड अग्रीड टू रीपे 1,000 पर मंथ, सो द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन एवरी मंथ विल बी एज फॉलोड। ओके, कहा गया है कि हमें बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और हमसे क्या कहा गया है कि प्रणव ने 10,000 रुपीज लिए थे और उसने कहा था कि मैं हर महीने 1,000 रुपए दे दूंगा, तो रिमेनिंग अमाउंट जो उसको हर महीने पे करनी है वो रह जाएगी, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मंथ। सबसे पहले तो दिस इज, दे हैव ऑलरेडी गिवन नंबर ऑफ मंथ और अमाउंट टू बी पेड, अब फर्स्ट मंथ में उसको कितना पे करना है, पूरा का पूरा 10,000, isn't it? सेकेंड मंथ में, क्योंकि फर्स्ट में वो 1,000 दे चुका है, फर्स्ट में वो ऑलरेडी 1,000 दे चुका है, तो उसके पास कितना रह जाएगा, 9,000 उसको देना है सेकेंड मंथ की बिगिनिंग में। सो इन टू पे इन एवरी मंथ विल बी एज फॉलोस, कि इतना उसको बचा हुआ है देने का के लिए। थर्ड मंथ में अगेन अगर हम देखें तो फिर उसको 8,000 रुपीज रह जाएंगे देने के लिए, isn't it? अब और फोर्थ मंथ में उसके पास रह गए हैं 7,000 रुपीज देने के लिए, फिफ्थ में ही विल बी लेफ्ट विथ 6,000 रुपीज टू गिव, सिक्स्थ मंथ में ही विल बी लेफ्ट विथ 5,000 रुपीज टू गिव, सेवेंथ मंथ में उसके पास 4,000 रुपए देने बाकी रह जाएंगे, एट्थ मंथ में उसके पास 3,000 रुपए देने बाकी रह जाएंगे, नाइन्थ मंथ में उसके पास 2,000 रुपए देने बाकी रह जाएंगे, एंड सो ऑन। उसके बाद फिफ्थ, ओके, हमसे पूछा हुआ है कि 9,000 और जीरो किस महीने में होगा। अब देखो फर्स्ट मंथ में जीरो क्यों है, क्योंकि पहले महीने में तो उसने लिए है पैसे, isn't it? तो सेकंड मंथ में उसके पास 9,000 क्योंकि वो देने है उसको उस महीने में, सिक्स्थ मंथ में उसके पास 5,000, सेवेंथ में 4,000, एट्थ में 3,000, नाइन्थ में 2,000, टेंथ में उसके पास 1,000 रुपीज देने को लिए रह जाएंगे, और इलेवेंथ मंथ में उसके पास जीरो, मतलब कि पूरे वो पे बैक कर चुका होगा, सो दैट वुड बी द 11th मंथ जब वो कंप्लीटली पे बैक कर चुका होगा। अब उसने लिए सिर्फ 10,000 है, लेकिन नंबर ऑफ मंथ्स फिर भी हमारे पास 11 आ रहे हैं देने के लिए, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो उसने लिए है, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड, पहले महीने में उसने लिए है, नेक्स्ट मंथ से उसने कहा है 1,000 दिए, तो पहले महीने और अगले महीने से आगे 10 महीने काउंट हुए, हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से, सो टोटल हैज कम आउट टू बी 10,000 क्योंकि उसने 1,000 रुपए हर महीने दिए है स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सो उस तरीके से इसको देखा जाएगा। अब करते हैं कुछ सॉल्व क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के, ताकि हम देख सके और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीक्वेंसेस पे या टर्म्स के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं।
First question is, write the following, which of the following sequences are in AP and if it's in AP, find the next two terms. पहले तो हमें चेक करना है कि कितने इसमें से AP में है और अगर वो AP में है तो हमें अगली टू टर्म्स को पता करना है कि कौन सी है. The first is 5, 12, 19, 26. 5, 12, 19, 26 and so on. Okay, यही है. Yes, okay. अब सबसे पहले T1 कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म मतलब कि ए, ठीक है. टी वन इज ए, दैट इज इक्वल टू 5, यही है. टी टू कितनी है मेरे पास, 12. अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो वो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 7, यही है. अगला चेक करते हैं, टी थ्री कितना है मेरे पास, टी थ्री इज 19. डी कितना हो जाएगा, 19 माइनस 12 विच इज अगेन इक्वल टू 7. टी फोर अगर मैं देखू तो वो कितना है मेरे पास, 26. टी फोर डी कितना हो जाएगा, टी फोर माइनस टी थ्री विच इज इक्वल टू 26 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 7. मतलब कि डी जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम ही आ रहा है. अब हम क्या करते हैं, हमेशा अगली टर्म हम कैसे निकालेंगे, डी ठीक है. टी वन बेसिकली क्या होगा, टी वन बेसिकली होता है ए, इजंट इट. टी टू होता है ए प्लस डी, इजंट इट. तो ए मतलब कि पहला है हमारे पास 5, दूसरा है ए प्लस डी, डी हमने चेक कर लिया 7 है, मतलब कि 5 प्लस 7. टी थ्री है हमारे पास ए प्लस 2d, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, मतलब कि, या फिर 2t, टी टू प्लस डी भी आप लिख सकते हो, मतलब कि 5 प्लस 14 जो आ रहा है हमारा 19, सही है. टी फोर की अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा हमारे पास, ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू सेवन विच इज इक्वल टू 5 प्लस 7 थ्री 21 विच इज इक्वल टू 26 आ गया. अब टी फाइव और टी सिक्स मुझे निकालना है. टी फाइव हो जाएगा ए प्लस 4 इंटू डी विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इंटू 4 इज 28, और 28 प्लस 5 कितना होता है, 33. सो 33 होगा टी फाइव की वैल्यू. और टी सिक्स कितना हो जाएगा, टी सिक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू डी, मतलब कि ए कितना है 5 प्लस 5 इंटू डी, मतलब कि 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 7 कितना होता है, 35, मतलब कि 5 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 40. अब देखेंगे तो हर टर्म में बेसिकली सिर्फ 7 ऐड हो रहा है. 5 प्लस 7 कितना होता है, 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 26 इज 33 आई है हमारी टर्म, और 33 प्लस 7 इज 40. सो अगली टू टर्म्स होने वाली है 33 एंड दिस इज 40. सो बेसिकली एपी के अंदर हर टर्म में सिर्फ जो डी है वो ऐड होता जाता है. सिर्फ इसके अंदर प्लस 7 किया तो ये आया, इसके अंदर प्लस 7 किया तो ये आया, प्लस 7 किया तो ये आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब देखते हैं और एक क्वेश्चन. ठीक है, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं. द सीक्वेंस दैट इज गिवन टू अस इज 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब अगर इसमें मेरा टी वन कितना है 1, टी टू कितना है 1, टी टू माइनस टी वन अगर मैंने निकाला तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो यही होता है मेरा डी, isn't it? टी थ्री कितना है मेरे पास 2, टी थ्री अगर मैं डी निकालू तो वो हो जाएगा टी थ्री माइनस टी टू विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. दोनों जगह पे कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है. सिंपली मीन्स दैट दिस सीरीज इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्यों, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हर बार सेम ही होना चाहिए, इसमें नहीं है. सो वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस सीरीज और दिस सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. देखते हैं और एक क्वेश्चन को. ठीक है,
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ. द क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी. मुझे ए और डी गिवन है, मुझे पहली चार टर्म्स पता करनी है एपी की, मतलब T1, T2, T3 एंड T4. सो मेरा पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू -3 एंड डी इज इक्वल टू 4. ए है मेरे पास -3 और डी है मेरे पास 4. सो T1 जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू -3. ठीक है, तो T1 मुझे पता चल गई. T2 जो होती है दैट इज इक्वल टू ए प्लस डी, इजंट इट? तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 1. T3 जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, दैट इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इज 8. तो ये हो जाएगा -3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू प्लस 5. अब T4 जो होगा दैट इज इक्वल टू ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी विच इज इक्वल टू -3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी कितना है 4. सो दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 9. अब अगेन हम देखें ए अगर -3 है उसमें प्लस 4, हर टर्म में सिर्फ 4 ऐड हो रहा है, इजंट इट? -3 प्लस 4 इज प्लस 1, 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 9 इज 5 plus 4 is 9. So हर टर्म में सिर्फ D ऐड हो जाता है. So T1 की T2 की जगह T1 plus 4 किया, T3 की जगह T2 plus 4 किया और T4 की जगह T3 plus 4 किया, जो उसकी प्रीसीडिंग टर्म होती है उससे जो उसके पहले वाली टर्म उससे जस्ट उसमें हम D को ऐड कर देते हैं. तो ये होगी मेरी अगली टर्म्स -3, 1, 5 एंड 9. दीज आर द फोर टर्म्स ऑफ द एपी. मुझे वैसे तीन ही निकालनी थी, नहीं सॉरी चार निकालनी है. ओके नाउ चलते हैं और देखते हैं और एक क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. द क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू 200 एंड डी इज इक्वल टू 7. ए कितना है मेरे पास 200 और डी है मेरे पास 7. अब T1 जो होता है वो होता है ए, दैट इज इक्वल टू 200, इजंट इट? डी मुझे पता है. अब पहले हमने ए के अंदर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D किया था. अब मैं टी में प्लस डी ऐड करता हूं, सिर्फ T2 होगा T1 प्लस डी, जो हो जाएगा T1 कितना है मेरे पास 200 प्लस डी इज 7 विच इज इक्वल टू 207. T3 हो जाएगा T2 प्लस डी, मतलब उसके पहले वाली जो टर्म है उसमें मुझे और 7 ऐड करना है. सो मतलब कि प्लस डी, मतलब कि विच विल बी इक्वल टू 207 प्लस T2, यहां से पुट किया मैंने जो आया था 207 प्लस डी इज 7 दैट इज इक्वल टू 214. T4 होगा T3 प्लस डी, दैट इज इक्वल टू T3 कितना आया है मेरे पास 214 प्लस डी इज 7 दैट इज इक्वल टू 221. तो ये है मेरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. तो इसमें से किसी भी एक तरीके को यू कैन यूज आइदर या तो T1 प्लस डी लिखिए या फिर ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D. यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड्स बट आंसर सेम ही आएगा. दीज आर द ऑप्शंस दैट आई हैव गिवन यू. चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन जिसके अंदर मेरा ए इज इक्वल टू -1 एंड माई डी इज इक्वल टू 1/2, माइनस ऑफ 1/2. अब इसके अंदर मेरा ए मतलब कि T1 कितना है -1, क्योंकि वो T1 इज इक्वल टू ए होता है. T2 कितना होगा, T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस डी, इजंट इट? सो दिस विल बी इक्वल टू T1 कितना है -1, डी कितना है -1/2. दिस इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि -1 -2 1/2 इज -3/2. T3 जो है दिस इज इक्वल टू T2 प्लस डी. T2 कितना है, T2 मतलब कि हमने अभी देखा -3/2 प्लस डी कितना है -1/2. सो -1/2 विच इज इक्वल टू -4/2, क्योंकि -3 -1 कितना हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमिनेटर को हम इक्वेट करेंगे टेकिंग डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट कॉमन. तो 1/2 को बाहर लिया तो सॉरी डिनोमिनेटर में ले लिया तो ये हो जाएगा -3 -1 विच इज -4. सो -4/2 दैट इज इक्वल टू -2. अब T4 कितना हो जाएगा, T4 विल बी इक्वल टू T3 प्लस डी. T4 कितना है -2
माइनस टू माइनस ऑफ वन बाय टू कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, एलसीएम ले लिया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव बाय टू, सो माइनस फाइव बाय टू होगा t4 की वैल्यू, सो द वैल्यूज ऑफ t1 इज माइनस वन, t2 इज माइनस थ्री बाय टू, t3 इज माइनस टू एंड t4 इज माइनस ऑफ फाइव बाय टू। सो इस तरीके से मैंने कहा था कि हमेशा जरूरी नहीं कि वैल्यू हमेशा आगे बढ़नी चाहिए, वैल्यू कम भी हो सकती है कीपिंग द टर्म इन AP, जैसे इसके अंदर डिफरेंस कितना है माइनस वन बाय टू, तो जो अगर डिफरेंस कभी भी नेगेटिव हो तो जो हमारा AP है उसकी वैल्यू कम 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 होती जाती है, जैसे ही AP आगे बढ़ता है वो वैल्यू कम होती चलती है। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन, दैट इज A इज इक्वल टू एट एंड D इज इक्वल टू माइनस फोर, A इज इक्वल टू एट एंड D इज इक्वल टू माइनस फाइव, सॉरी अगेन मैंने कहा D नेगेटिव है मतलब कि हमारी जो AP है उसकी वैल्यू कम होती चलने वाली है। T1 कितना होता है, A दैट इज इक्वल टू एट, मेरे T1 की वैल्यू आ गई। T2 कितना होता है, T1 प्लस D, T1 प्लस D विच इज इक्वल टू T1 कितना है एट, D कितना है माइनस फाइव, दैट इज इक्वल टू थ्री, यही है मेरे पास T2 की वैल्यू। T3 कितना है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू T2 प्लस D, T2 कितना है मेरे पास थ्री और D कितना है मेरे पास माइनस फाइव, दैट इज इक्वल टू माइनस टू। अब T4 कितना है मेरे पास, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, isn't it? T3 कितना है मेरे पास माइनस टू, माइनस टू डी है मेरे पास माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन, सो टी वन इज एट, टी टू इज थ्री, टी थ्री इज माइनस टू और टी फोर इज माइनस सेवन एंड सो ऑन, दिस इज द सीक्वेंस विच इज, सो एपी क्या है मेरे पास एट कॉमा थ्री कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस सेवन एंड सो ऑन, दिस इज माई रिस्पेक्टिव एपी। अब इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे ए और डी पता है तो मैं कितनी भी टर्म्स तक इसको एक्सटेंड कर सकता हूं, 10th, 15th, जो भी टर्म पूछी जाए वहां तक हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं। बट यूजुअली अगर ए और डी सिर्फ ये पता हो तो इस सीक्वेंस से अगर हमें करना हो तो हम सिर्फ फर्स्ट टू या फिर फर्स्ट थ्री टर्म्स तक ही वो पूछते हैं, मैक्सिमम फर्स्ट फोर या फिर फाइव, उससे आगे वो नहीं पूछेंगे। अगर उससे आगे की टर्म 100th टर्म 200th टर्म ऐसा कुछ हो तो उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं।